मैं विनोद कैनी आज जो वीडियो लेके आया हूँ यहाँ पर LG का 42LG ATFR मॉडल का ये पावर बोर्ड है। ठीक है, इसमें क्या फॉल्ट है मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम स्टार्ट करके देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। आप देख सकते हैं मैंने पावर ऑन जम्पर है वो 5 वोल्ट के साथ शॉर्ट किया हुआ है, दैट मीन्स अभी मैंने ऑन कर रखा है टीवी को। क्या आउटपुट सप्लाई स्टैंड बाई सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट स्टैंड बाई सप्लाई ओके है। ओके, और क्या 12 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर 16 वोल्ट आने चाहिए थे, ये भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर 24 वोल्ट आने चाहिए थे, वो भी प्रेजेंट नहीं है। हमने पावर ऑन कर रखा है, ठीक है। सो आखिर दिक्कत क्या है कि जिसकी वजह से यहाँ पर पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी मैं ये जम्पर निकाल देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम चेक करेंगे इस चीज़ को। पहले मैं आपको ट्रेस करके बता देता हूँ कि पावर ऑन यहाँ पर किस तरह से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है जो कि 10K का है। 10K का रजिस्टर मॉस्फेट के बेस में जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मॉस्फेट का सोर्स पिन है वो ग्राउंड है, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, और जो ड्रेन पिन है वो कनेक्टेड है ऑप्टोकपलर के कैथोड पर। ओके, और ये एनोड है। सो होता क्या है कि जब गेट पल्स मिलता है तो ये जो ग्राउंड पॉइंट है ये और ये पॉइंट, ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स ऑप्टोकपलर को ग्राउंड मिल जाता है। ठीक है, जब ग्राउंड मिलता है तो यहाँ पर आउटपुट में ये कलेक्टर और एमिटर है फोटो ट्रांजिस्टर का, जब इंफ्रारेड लाइट जलती है इस पर तो ये काम करता है। तो देख लेते हैं जब जिस समय पे हम यहाँ टच करेंगे उस समय कपलर काम करता है कि नहीं। पहले मैंने ये ऑन कर लिया है, मीटर को वोल्टेज की रेंज में रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं ग्राउंड कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी पावर बंद है, दैट मीन्स हमने पावर ऑन नहीं दिया है इट इन दिस केस। ये चौथा नंबर जो कलेक्टर पिन है उस पर मैं अभी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं 17 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो आप खाली टच कीजिए, 5 वोल्ट दीजिए इसको पावर ऑन को, तो ये 0 वोल्ट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अभी आगे सर्किट हम देख लेते हैं किस तरह से है। अभी हम ये 4 नंबर का ऑप्टोकपलर है कलेक्टर पिन, उसको ट्रेस कर रहे हैं किस तरह से कनेक्टेड है। अभी यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का बेस है जिस पे ये सप्लाई जब जिस समय स्टैंड बाई होता है तब 17 वोल्ट रहते हैं, जिस समय ऑन हो जाता है तब ये 0 वोल्ट हो जाते हैं यहाँ पर बेस पे। तो 0 वोल्ट होने से यहाँ पर जो कलेक्टर पे वोल्टेज ऑलरेडी है, ठीक है, ये कलेक्टर पे वो वोल्टेज यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, ये कलेक्टर पे ही कनेक्टेड है दूसरे ट्रांजिस्टर के जो कि रेगुलेटर है। ठीक है, जिसके बेस पर एक जिनर है और एमिटर से आउट होके इस IC को सप्लाई जा रही है। ठीक है, किस तरह से जा रही है, यहाँ से। ओके, और ये IC जब ऑन होती है उसके बाद हमें 12 वोल्ट 16 वोल्ट और 24 वोल्ट मिलते हैं जो कि ये SMPS से निकलेंगे, इस SMPS से, सॉरी ये SMPS से, और ये रेक्टिफायर डायोड्स हैं जिनके थ्रू आपको 24 वोल्ट और 16 वोल्ट आपको मिलेंगे। सो ये आपने देख लिया कि किस तरह से पूरी सर्किट बनी हुई है। अभी हम देख लेते हैं क्या PFC सर्किट काम करती है क्या। जिस समय पे हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर मैं अभी शॉर्ट ही रखता हूँ इसको, अब मैं पावर दे रहा हूँ और वोल्टेज की रेंज में यहाँ पर माइनस और प्लस, यहाँ आप देख सकते हैं 331 वोल्ट बन रहे हैं जबकि मैंने पावर ऑन दे दिया है, तो यहाँ पर 390 वोल्ट 385 वोल्ट से 390 वोल्ट बनने चाहिए थे तो ये नहीं बन रहे। तो अभी हम PFC सर्किट किस तरह से बनी हुई है वो दिखा देते हैं आपको। तो हमेशा एवरी पावर के साथ आपको इसको डिस्चार्ज करना है, वरना आप जो ओके सर्किट है उसको भी ख़राब कर दोगे।
अभी मैं आपको वो सर्किट बता रहा हूँ जो सर्किट यहाँ पर, ये जो मैंने सब कुछ लगा रखा है लोड के लिए लगा रखा है, यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई जो है उसके आउटपुट को लोड देने के लिए यहाँ सर्किट रखी हुई है। ऑन होने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये ऑन हुआ है। सो यहाँ पर दो PFC के ट्रांसफार्मर्स दिख रहे हैं, दो MOSFETs हैं और दो डायोड्स हैं, ठीक है। सो ये दो PFC के कंट्रोल के थ्रू और ये ड्राइव के थ्रू, जो कि दो ड्राइव निकाल रही है IC, इसके थ्रू आउटपुट निकल रहे हैं। तो इसकी हम पहले सप्लाई पिन ट्रेस कर लेते हैं कि सप्लाई पिन कौन सी है। ती जो है इसकी फर्स्ट पिन यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नंबर पे सप्लाई जो है वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू Q183 के थ्रू कलेक्टर के थ्रू आउट होकर यहाँ पहुँच रही है, और एमीटर पे सप्लाई इस, ये PNP ट्रांजिस्टर है। PNP ट्रांजिस्टर में एमीटर इनपुट होता है और कलेक्टर आउटपुट होता है। सो यहाँ पर इनपुट और ये आउटपुट है। हम ये ट्रांजिस्टर पहले चेक कर लेते हैं, क्या ये ट्रांजिस्टर ओके है। PNP ट्रांजिस्टर के हिसाब से ये P टर्मिनल है तो नहीं बता रहा है कुछ भी, और ये भी P टर्मिनल, तो PNP में ये जो ट्रांजिस्टर है ओपन बता रहा है। अभी इसकी जगह हम दूसरा ट्रांजिस्टर पहले लगा लेते हैं, और उससे पहले हम आपको सप्लाई दिखा देते हैं कि क्या सप्लाई आ रही है। यहाँ पर मैंने पावर फिर से दे दिया है और ये ग्राउंड पिन मैंने कनेक्ट कर दी है, और ये जो ट्रांजिस्टर है इसके इस पॉइंट पे एमीटर पे आप देख सकते हैं 12.5 वोल्ट आ रहे हैं, बेस पे 5 वोल्ट है। PNP ट्रांजिस्टर या NPN ट्रांजिस्टर, ये दोनों में 0.6 से ज़्यादा कुछ भी वोल्ट हो तो ये एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.5 वोल्ट है, दैट मीन्स हमें IC के 12 नंबर की पिन पे भी 0.5 वोल्ट मिल रहे हैं। सो मतलब हमें सप्लाई 12 वोल्ट यहाँ पर आउट नहीं कर रहा है ये ट्रांजिस्टर। अभी हम ये ट्रांजिस्टर बदल देते हैं, सभी को लॉक किया था आपने। दूसरा ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास, ठीक है। हमने ये दूसरा ट्रांजिस्टर लगा लिया है, तो यहां आप देख सकते हैं, आप क्लोजअप से दिखा दीजिए ट्रांजिस्टर को, जो कि Q183 नंबर का है। अब हम चेक कर लेते हैं ये ट्रांजिस्टर को पहले। PNP ट्रांजिस्टर, दैट मीन्स N जो है बेस पे रहेगा, P यहाँ पर, और हम डायोड टेस्ट में रखते हैं मीटर को। यहाँ आप देख सकते हैं 0.56 और ये 0.56। सो ये PNP ट्रांजिस्टर है जिसके एमीटर पे सप्लाई इनपुट होगी और कलेक्टर पे आउट तभी होगी जब यहाँ पे सप्लाई जो होगी 0.7 से ज़्यादा, ठीक है, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा अगर जो हो सप्लाई तो ये कंडक्ट करेगा ट्रांजिस्टर और एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज इसके साथ फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एमीटर इनपुट रहेगा, कलेक्टर आउटपुट फॉर PNP, NPN के लिए कलेक्टर इनपुट होता है और एमीटर आउटपुट, ओके। दोनों के लिए बायसिंग सेम रहती है बेस की, जिसमें 0.7 से कुछ भी ऊपर होगा तो दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे, कलेक्टर एमिटर इसके चलेगा। इसके बीच में डिप्लीशन लेयर रहता है जो कि टूट जाता है जब बेस पे 0.7 से अधिक कोई वोल्टेज पहुंचता है, ठीक है।
सो ये आपको पता चल गया अभी। अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने कनेक्शन जो है तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कनेक्शन हमने कर दिया है और वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सर्किट भी चालू हो गई है और पहले हम यहाँ पर पीएफसी सर्किट के वोल्टेज देख लेते हैं। ये ग्राउंड है और ये सप्लाई है, सो यहाँ पर 386 वोल्ट बन रहे हैं। और हम ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी देख लेते हैं, यहाँ ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर 11.7 वोल्ट डिलीवर कर रहा है इस आईसी को, ठीक है, इस आईसी की इस पिन को, ओके, जो कि एमिटर से इन होके, ये जो 11.7 बता रहा है ये एमिटर से इन होके कलेक्टर से आउट होके इस आईसी की 12 नंबर की पिन तक पहुंच रहा है। इस आईसी का जो नंबर है मतलब लोकेशन नंबर U601 है और आईसी का नंबर है यो, और इसका काम है दो चैनल के जो मॉस्फेट है, दो एन चैनल के मॉस्फेट को ड्राइव करने के लिए आउटपुट डिलीवर करना जिसकी सप्लाई एब्सेंट थी। अभी हम सभी सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ मैंने पावर दे दिया है टीवी को और वोल्टेज पहले देख लेते हैं हम सारे जो वोल्टेज हैं। यहाँ मैंने लोड के लिए जो कनेक्शन कर रखा है वो यहाँ पर ड्राइवर आपको दिख रहा है, सभी तरह के जो वोल्टेज हैं उनको हमने लोड दिया है। यहाँ मैंने 16 वोल्ट से स्टेप डाउन कन्वर्टर के थ्रू 12 वोल्ट बनाया है। इस यूनिवर्सल बोर्ड को चलाने के लिए यहाँ पर ये 12 वोल्ट लोड हो जाएंगे, बिकॉज ये 12 वोल्ट टिकॉन के लिए होते हैं इस टीवी के अंदर, जो कि मदरबोर्ड के थ्रू मॉस्फेट के थ्रू डायरेक्टली टिकॉन बोर्ड में जाएंगे फ्यूज पर और वहाँ से डीसी टू डीसी आईसी वर्क करेगी और 12 वोल्ट कहीं नहीं जाते हैं। तो ये 12 वोल्ट के करंट बहुत कम होते हैं कि इसमें हम ये जो जितने भी बक रेगुलेटर्स हैं जिनमें से पहले जो बक रेगुलेटर है वो 12 से 5 वोल्ट बना रहा है ना, तो उस वो बक रेगुलेटर जो है 12 से 10 वोल्ट बना देगा इसको। तो हमें वहाँ से 12 वोल्ट नहीं देकर यहाँ से 16 वोल्ट जो है आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 वोल्ट से ये मेरा स्टेप डाउन कन्वर्टर है जिसके थ्रू मैंने आउटपुट बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं 12.4 वोल्ट बता रहा है जो कि इन होकर इस यूनिवर्सल बोर्ड के थ्रू आउटपुट यहाँ पर LVDS पे आप यहाँ देख सकते हैं 12 वोल्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा और LVDS के थ्रू टिकॉन बोर्ड तक। और हमने 24 वोल्ट यहाँ से दिया है इन्वर्टर बोर्ड को, आप यहाँ देख सकते हैं 24 वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स PFC सर्किट अगर जो सही है तो यहाँ पर ये सभी वोल्टेज जो है ड्रॉप भी नहीं होंगे और पूरी सप्लाई बनेगी। तो ये बोर्ड में आपने जो देखा वो PFC फॉल्ट था जो हमने रिपेयर करके आपको बताया। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाइक बटन है, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर बटन का यूज़ कर सकते हैं, शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो के नीचे ही लाल कलर में बटन में आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आपको उसे दबाना है और घंटी का जो निशान है उसको भी दबा देना है ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। और दोस्तों कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आगे आने वाले टाइम में, मेरी एक ट्रेनिंग है जो चंडीगढ़ में है जो 20 सितंबर को है, ज़रूर आइए। आप सभी जो टेक्नीशियंस चंडीगढ़ में रहते हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल में रहने वाले सभी टेक्नीशियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को अपडेट होने का एक मौका दीजिए। ये कोरोना काल में जब आप अभी फ्री बैठे हैं इस समय पर आप अपने आप को अपडेट करने का काम कर सकते हैं, वहाँ आके आप ट्रेनिंग लीजिए और अपने आप को टीवी के इंजीनियर से LED टीवी के इंजीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आप आ जाइए, आपकी ज़रूर मैं मदद करूंगा वहां पर और अच्छी ट्रेनिंग देकर आपको भेजूंगा ताकि आप अपने
वहाँ पर जाके अच्छा काम कर पाए। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट, बाय।